हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों, ये है रियलमी 6i। तो आज इस स्मार्टफोन को हम कंपेयर करने वाले हैं रियलमी 6 के साथ। अब देखो, कंपेयर करने का रीज़न ये है ना कि दोनों स्मार्टफोन लगभग लगभग सेम स्पेक्स के साथ आते हैं और प्राइस भी लगभग लगभग सेम है। तो ऐसे में बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा स्मार्टफोन इसमें खरीदना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। तो चलो आज कंपेयर करते हैं रियलमी 6i को वर्सेस रियलमी 6। लेकिन उसके पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एज़ यूजुअल स्टाइल में आपको रियलमी 6i आपको मिलता है। बॉक्स में आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है, एक टीपीओ केस मिलता है और सामने स्मार्टफोन है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन दो कलर में लॉन्च हुआ है, एक ब्लैक एंड वाइट, लूनर वाइट और ये ब्लैक कलर का। दोस्तों, पीछे की तरफ का जो बॉडी डिज़ाइन है वो रियलमी स्टाइल है, टिपिकल रियलमी स्टाइल मिलता है और आपको एक वूक चार्ज मिलता है जो कि है 20 वाट का। भले दोस्तों ये स्मार्टफोन आपका सपोर्ट करता है 30 वाट चार्जिंग, बट आपको इनबॉक्स मिलता है 20 वाट। तो आप चाहो तो रियलमी स्टोर से खरीद सकते हो, वहाँ पे इसकी प्राइस 1300 के आसपास है। इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। दोस्तों, अगर स्मार्टफोन की बात करें तो ये आपको इस तरीके से स्मार्टफोन मिलता है। कैमरा सेटअप क्वाड कैमरा है, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग की हुई है और साथ में आपको दोस्तों जो पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है ना वो काफ़ी शाइनिंग लगती है, मतलब ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगा। टिपिकल ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है, ऐसे बहुत कम स्मार्टफोन रियलमी के हैं जो इस कलर में लॉन्च हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कलर मुझे देखने में लगता है। हालांकि जो बॉडी डिज़ाइन है वो पॉलीकार्बोनेट का है, ग्लास बॉडी नहीं है। सामने की तरफ दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। वैसे दोस्तों, अगर आप कंपेयर करोगे ना, देखोगे दोनों ही स्मार्टफोन तो सेम लगता है, बस कलर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें लग जाता है। पता चलता है कि कुछ जो कलर है ना वो बस चेंज हुआ है और सारी चीज़ें देखने में सेम लगती हैं रियलमी 6 जैसी ही। दोस्तों, बात करें अगर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो ये आता है 6.5 इंचेस के फुल HD डिस्प्ले के साथ जो कि है 90 हर्ट्ज़ का। तो दोस्तों, 90 हर्ट्ज़ का पैनल होने की वजह से आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और सामने एक तरफ आपको एक डॉट मिल जाता है कैमरा के लिए लेफ्ट साइड में, जो कि एक अच्छा है, मतलब फुल व्यू आपको मिलता है डिस्प्ले के अंदर। आप आसानी से कोई भी गेम वगैरह खेलना चाहो या फिर वीडियो वगैरह देखना चाहो। और नीचे की तरफ और साइड में बेजल्स भी बहुत कम मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लैंग्वेज है। हालांकि सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं रियलमी 6 जैसी। और दोस्तों, अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो ये साइड माउंटेड है, आपको पीछे की तरफ नहीं मिलता, आगे की तरफ नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब पावर बटन के साथ ही। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी कचरा देखने को नहीं मिलता, मतलब फालतू के ऐप्स कोई नहीं देखने को मिलते जो कि इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो ये अच्छा स्टेप है रियलमी की तरफ से भी। और आपको टिपिकल रियलमी UI इंटरफेस मिलता है जो कि अच्छा लगता है यार, मतलब कलर OS तो काफ़ी अच्छा काम किया और ये UI काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, इसके बाद अगर इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको हीलियो का G90T मिल जाता है। सेम प्रोसेसर है रियलमी 6 में भी, मैं आपको बता दूँ सेम प्रोसेसर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन ना 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स 20 वाट की फास्ट चार्जिंग ही मिलती है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि अगर आप रियलमी स्टोर पर देखोगे ना, मतलब realme.com पर जाकर देखोगे, तो जो 30 वाट फास्ट चार्जर की प्राइस है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि प्राइस देखोगे तो आपको मिलने वाला है प्राइस कुछ 1300 के आसपास, 1300-1400। और दोस्तों, अगर इसे हम साइड वाइज देखते हैं रियलमी 6 के साथ ना, तो कोई भी आप डिफरेंस नहीं बता सकते। आप कहोगे कि दोनों ही स्मार्टफोन एक ही हैं, मतलब सामने से भी कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बस अगर आप इसका कलर कंपेयर ना करो तो। दोस्तों, आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले दोनों में मिलती है, सेम UI है, सेम पैटर्न है, सब कुछ वही है, सेम स्क्रीन साइज़ है 6.5 इंचेस की, मतलब डिस्प्ले वगैरह क्वालिटी वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे लग रहा है कि मैंने दो रियलमी 6 स्मार्टफोन आमने सामने रखे हो। बट देख सकते हो यहाँ पे एक रियलमी 6 है और दूसरा रियलमी 6i है। आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है इसका। और दोस्तों, जो कैमरा सेटअप है, कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि काले को गोरा और रात को दिन करने की कैपेसिटी रखता है, जस्ट जो का पार्ट। दोस्तों, पीछे कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप आता है। रियलमी 6 में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं रियलमी 6i में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दोस्तों, भले ही नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ कि दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 64 मेगापिक्सल के साथ ऑब्वियस सी बात है थोड़ी डिटेल आपको बेटर मिलती है रियलमी 6 में, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता दोस्तों। 48 मेगापिक्सल भी वैसा ही परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट। और दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी भी 4300 mAh है, 30 वाट फास्ट चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। लेकिन रियलमी 6 में आपको 30 वाट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, वही रियलमी 6i में आपको 20 वाट मिलता है। दोस्तों, दोनों के फीचर्स वगैरह सेम है, इसलिए थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको रियलमी 6i में 20 वाट का फास्ट चार्जर ही मिलता है। दोस्तों, वैसे दोनों स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट अगर प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, फाइनली जो प्राइस है ना, रियलमी 6i का स्टार्टिंग प्राइस है 464 का बेस वेरिएंट जो कि है वो 12999 और रियलमी 6 के प्राइस है वो 14999। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में रियलमी 6i एक बेटर ऑप्शन है।
तो दोस्तों आप रियलमी 6 खरीदने के बजाय ना रियलमी 6i खरीद सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।